हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। एंड क्वेश्चन 11 इज इंटीग्रेशन निकालना है हमें 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ध्यान से देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखना है सबको कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज होना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए जो भी x स्क्वायर के आगे वाला होता है उस वो 1 होना चाहिए। उधर x स्क्वायर के आगे 9 है तो हमें 9 को पहले डिवाइड करना होगा। तो देखो कैसे कर रहा हूं मैं 9 डिवाइड भी कर सकता हूं, नीचे करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, या सिंपल सा शॉर्टकट 9 कॉमन ले लिया जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूं, मुझे पता है कि मुझे अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा, बट उससे पहले ये रिड्यूस फॉर्म हो रहा है तो मैंने इसको पहले रिड्यूस फॉर्म कर लिया। आओ ये 2/3 हो जाएगा ना, 9 6/9। अब इसके बाद मैं इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाऊंगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो क्लास 10th में हम सीखते थे वही सेम लगेगा। 9x² + 2/3x। अब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद होना चाहिए, जो x के साथ में होता है उसको उसके हाफ से मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर करके हम सॉल्व करते हैं। मतलब 2/3 को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा इट विल कम 1/3, और 1/3 का स्क्वायर जो आ रहा है वो मैं प्लस भी करूंगा माइनस भी करूंगा। सो प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 5/9 तो है ही है। सो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन, याद रखना है इस स्टेप में मैंने क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब मेरी आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी बनते ही मेरा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब पहले 3 ब्रैकेट्स में ही मेरी आइडेंटिटी बन रही है, दैट इज x प्लस 1/3 का स्क्वायर, करके देख लो वही आएगा, और बाकी जो बचा माइनस 1/9 5/9, इसे तो हम सॉल्व कर देते थे। देखो सॉल्व कर दूंगा मैं, 4/9 आ गया। अब एक क्वेश्चन बन गया मेरा, dx अपॉन x प्लस 1/3 का स्क्वायर 4/9, 4/9 को मैं लिख सकता हूँ 2/3 का स्क्वायर, से मेरा इंटीग्रेशन हो गया, बाहर 9 कॉमन चल रहा है। अब मेरा फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, दैट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a। तो अब देखो ये कैसे लगेगा, 1 अपॉन a, a मतलब कांस्टेंट। देखो 1/9 ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, और साथ में वो कह रहा है 1 अपॉन a भी लगा दो, ये a 2/3 तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, इनटू tan इनवर्स x, x में ये रहा अपॉन a दैट इज 2/3। तो इसको सॉल्व किया मैंने तो आया बाहर मेरा 1/6, अंदर आ जाएगा tan इनवर्स 3x + 1/2। अब ये बाय 2 कैसे आया, सबको पता है इसका एलसीएम लूंगा तो इसके डिनोमिनेटर में 3 होगा, वो इस वाले से कट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मैंने बस डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व प्लस सी आर। सो ये क्वेश्चन किसी उसी को समझ आया होगा जिसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अच्छे से आता है, और आगे के क्वेश्चन भी उसी को समझ आएंगे अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है। क्वेश्चन नंबर 12, dx अपॉन अंडर रूट 7 - 6x - x2। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो पहले x स्क्वायर के आगे तो कांस्टेंट आ रहे हैं माइनस 1, तो मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो कैसे लूंगा, देखो माइनस पूरी इक्वेशन से मैंने कॉमन लिया, और नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा मेरा, सीधा डायरेक्ट मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगाने की कोशिश करूंगा। माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा, रूट के अंदर माइनस है वो तो पॉसिबल ही नहीं होता, हम आयोटा का कंसेप्ट तो डेफिनेटली यूज नहीं करेंगे राइट, वो भी इंटीग्रेशन में। सो अब हमें x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 को सॉल्व करना, माइनस 7 को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, जो x के साथ है दैट इज 6, उसका हाफ करना है दैट इज 3, और उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, वो एड भी होगा और माइनस भी होगा। अब देखो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, पहली 3 ब्रैकेट से देखो बड़ी इजीली फॉर्मूला बन रहा है, वो बन रहा है x प्लस 3 का स्क्वायर, और बाकी से 9 और 7 16, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, बाहर माइनस कॉमन चल रहा है अभी ब्रैकेट में, याद रखना। इसका मतलब हुआ अगर मेरे को माइनस तो रूट में हो नहीं सकता, तो इसका मतलब मैं स्विच कर दूंगा माइनस अंदर अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसे,
माइनस की मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ फॉर्मूला लग सकता है कौन सा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जैसे ही मैं लगाऊंगा एंड आई विल गेट माई फाइनल आंसर। सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर, फाइनल आंसर आ गया। लास्ट है फॉर्मूला, बड़ा इजी है अप्लाई करना, मुझे काफी स्टूडेंट्स रिप्लाई आ रहे थे व्हाट्सएप पे, अरे एक्सरसाइज काफी इजी है प्रीवियस एक्सरसाइज से, यस वो तो मैंने बोला था कि इजी है बट फॉर्मूला पता होगा तो, और कंप्यूटिंग स्क्वायर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। सबसे पहले मुझे इसे अंदर अंदर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तभी तो सॉल्व कर पाऊंगा इसका। जब मैं एक्स को पहले मल्टीप्लाई करूंगा देन वन को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट दिस माइनस माइनस ये आते। अब मुझे इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, थ्री एक्स के साथ है थ्री इन शॉर्ट माइनस थ्री इन टोटल, उसका मैं हाफ करूंगा दैट विल बी थ्री बाई टू एक तरह से, और उसका स्क्वायर एड भी करना है, उसका स्क्वायर माइनस भी करना है, तो देखो कैसे होगा। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, उसका स्क्वायर एड भी करो और उसका स्क्वायर माइनस भी करो, प्लस टू तो है ही है। तो अगले स्टेप पे देखो क्या देगा, पहली तीन ब्रैकेट में फॉर्मूला पता चल जाता है। देखो इधर बीच में माइनस आ गया, इसका मतलब माइनस की आइडेंटिटी लग रही है, एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस वजह से साइन पता चलता है बीच वाले एक्स के साथ जो है वही हमारी आइडेंटिटी बनती है। और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा इट विल बी माइनस नाइन बाय फोर प्लस टू, अभी मेरी आइडेंटिटी नहीं बनी इंटीग्रेशन की, उसको बनाने के लिए देखो मैंने क्या किया, इसे बस सॉल्व कर दूंगा एंड आई विल गेट माई फाइनल आंसर। राइट क्या आएगा, टू में इसको एलसीएम लोगे तो यू विल गेट माइनस वन बाय का होल स्क्वायर, वन बाय फोर आएगा बिकॉज। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना अब इजी है, ये बन गया हमारा फॉर्मूला वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर किसी को याद हो तो ये फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स, एक्स कितना एक्स माइनस थ्री बाय टू प्लस सेम रूट पूरा लिख दिया। फिर किसका फॉर्मूला लगाया मैंने, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो मैंने फोर्थ या फिफ्थ फॉर्मूला लिखवाया था, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं जो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैं बता चुका। ठीक, सो जब फॉर्मूला डिस्कस हो तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, बस इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा। और अब कई बच्चे क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए इसको पूरा दोबारा से सॉल्व करने बैठ जाएंगे, बट हमें वैसे सॉल्व नहीं करना, तुम्हें पता है कि जो सेम रूट है वो रूट तो यही था ना, तुम इसके बाद डायरेक्ट लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो लॉग एक्स माइनस थ्री बाय टू प्लस दिस, क्योंकि हम सबको ही पता है यार, हम उसी को तो रूट में कन्वर्ट किया था प्लस सी। क्वेश्चन 14, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आज के क्वेश्चंस उसी को खाली समझ नहीं आ रहे होंगे जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता, बाकी सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे बिकॉज है ही कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो पहले मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है फिर से, थ्री बाय टू थ्री माइनस थ्री आ रहा है, मतलब थ्री बाय टू का स्क्वायर ऐड, थ्री बाय टू का स्क्वायर माइनस करना, एक सेकेंड, थ्री बाय टू का स्क्वायर ऐड करना है, जो भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था ऐसे, थ्री बाय टू का स्क्वायर माइनस करना। अब देखो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट, ये देखो पहला ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर, और जो बाकी है दो बच गए, इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन बाय फोर माइनस एट, इसे सॉल्व करो एलसीएम लेके यू विल गेट माइनस फोर्टी वन बाय टू। और एक चीज का सब ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमारा भार माइनस चल रहा है पूरी ब्रैकेट के, सो जब रूट लगाना है तो भार चल रहा है, ठीक है ना, माइनस। अगला स्टेप dx अपॉन, अब देखो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कैसे चेंज कर सकता हूँ, माइनस अंदर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ
रूट 41 बाय ये 4 आएगा, 41 बाय 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ दिस, जैसे अभी एक दो क्वेश्चन पहले जैसे क्वेश्चन में से 12 में भी यही चीज करी थी हमने डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि वहां पे माइनस की दिक्कत आती है और रूट के अंदर माइनस हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब तुम क्या पहले स्टेप में माइनस बाहर ले आते हैं फिर उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं भाई ये तो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर की आइडेंटिटी ताकि बन जाए, और यहाँ पे दोबारा सॉल्व उसको माइनस अंदर क्यों भेज रहे हैं, ताकि इंटीग्रेशन की हम आइडेंटिटी बना सके। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स वाला, ही साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 2 से 2 तो देखो कट ही जाएगा, तो 2x माइनस 3 अपॉन रूट 41 फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हमें इंटीग्रेशन निकालना है x माइनस ए x माइनस बी का, तो इसमें बिल्कुल सेम चीज होगी, पहले अंदर अंदर इसको पूरा खोलना पड़ेगा, एंड आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करी देन ए की करी देन आई विल गेट, पहले मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस सी, मेरी इक्वेशन अब ये बन गई है, मुझे इसके सॉल्व करना है और मुझे पता है x के साथ है a plus b आ रहा है, तो मुझे उसके हाफ करना है, पहले a plus b का हाफ a by a plus b by 2 और उसका स्क्वायर प्लस माइनस करना होगा, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन देखो, dx अपॉन अंडर रूट x square minus x a plus b, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, अब a plus b by 2 का स्क्वायर ऐड भी होगा और a plus b by 2 का स्क्वायर माइनस भी हो रहा है और प्लस ए बी तो आ ही रहा है, अब साफ साफ दिख रहा होगा सबको तीनों में आइडेंटिटी बन रही है, मैं बार बार पहले तीनों में बना रहा हूं बिकॉज मैं फॉर्मुलेटी ऐसे कर रहा हूं, आइडेंटिटी बना लो x माइनस ए प्लस बी बाय टू का स्क्वायर और जो माइनस जो बच गया ये दोनों चीजें बच गई, अब इसे सॉल्व करना है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये एक तरह से प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर बाय 4 है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, मुझे बस इसे सॉल्व करना है टू गेट द माय फाइनल इक्वेशन ताकि मैं उसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में फॉर्मुलेट कर सकूं, तो देखो क्या आ रहा है ये x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर के फॉर्म में है ही, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सच हमें इसे सॉल्व करना है जो टर्म बच गई है टू गेट माय फाइनल आंसर, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा और ये आएगा 4ab माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है 4ab वाली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम्हें नहीं आता तो तुम a प्लस b का स्क्वायर पूरा खोल दो, ठीक है a प्लस b का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या बन जाएगा वो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 4ab जब 2ab के साथ माइनस होगा तो इट विल बिकम 2ab ओनली, और वो आइडेंटिटी इन शॉर्ट बन जाएगी किस चीज की, एक सेकंड, a माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर, वे क्या लिखा है मैंने अगले पेज पे एक बार लिख देता हूँ, ये देखो मैंने लिखा है dx अपॉन अंडर रूट x माइनस a प्लस b बाय 2 का स्क्वायर राइट एंड माइनस a माइनस b बाय 2 का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी साफ साफ दिख रही है किस चीज की बन रही है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही चीज मैंने यहाँ कर दी, अब आइडेंटिटी लगा दो इसकी, क्या आइडेंटिटी होती है, अभी भी पीछे भी आई थी log x plus same root, तो लगा दो log x, x ही है पूरा plus same root ये नहीं लिखो, लिखो ही मत ना, जो लिख रहा है मतलब पागल है, उसको पता नहीं है कि जो रूट है वो अल्टीमेटली हमारा जो क्वेश्चन था वही बन जाएगा, मतलब इसके जो सिंप्लीफाइड फॉर्म, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, दैट मीन्स अगर आप इसको दोबारा सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन के 10 स्टेप और बढ़ा रहे हो, उल्टा जा रहे हो क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट जो रूट को हमने लिया था स्टार्टिंग में मैंने वही लिख दिया, तो देखा तुमने लास्ट स्टेप फिर से इजी था, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप के नंबर है भाई, इसलिए 10th क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई वाले पता नहीं क्या सोचा है उन्होंने कि 2 सालों से कंप्लीटिंग स्क्वायर 10th क्लास से डिलीट कर दिया, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तब भी 10th क्लास में हम करा रहे हैं सारे टीचर्स, क्योंकि सबको पता है कि 12th में आएगा तो बच्चों को दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा अभी आगे, इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टाइप है, एक
बच्चे इसको देखते ही ना लग जाएंगे, उन्हें इतनी प्रैक्टिस होती है सोचेंगे भी नहीं, अरे भाई चलो उन्हें प्रैक्टिस इतनी होती है टेप देंगे वही कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये नहीं देखेंगे ऊपर कॉन्स्टेंट वन नहीं है ठीक है, और जो लास्ट क्लास में कई स्टूडेंट्स गलती कर रहे थे वही सेम गलती इसमें भी कर देंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने लग जाएंगे, ऊपर 4x+1 है और जिसकी आंखें तेज होंगी उसको दिख रहा होगा अगर मैं नीचे वाले को टी लेट करता हूँ तो ऊपर वाला बन रहा है जी, तो उससे इजी चीज तो हो ही नहीं सकती। इसको मैंने टी लेट करा तो देखो 4x+1 dx = dt आ गया, मतलब ऊपर वाले की वैल्यू मुझे मिल चुकी है डी टी और नीचे वाले का रूट टी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, अब इट्स रियली अ कप ऑफ टी आई शुड से, ये आ जाएगा टी की पावर -1/2 और इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट टी की पावर ½/2। इसको मैं अच्छे से पूरा नहीं बता रहा बिकॉज 3 एक्सरसाइज हो चुकी है उसमें रूट सबका फॉर्मूला आता ही है, इट्स अ बेसिक। तो आंसर आ जाएगा 2√t + c मतलब रूट टी टी ये रहा, तो 2√2x² + x - 3+ इट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 हम करेंगे उसमें भी ऐसा ही होगा, बट उसमें क्या होगा जैसे इसमें डायरेक्ट टी लेट किया तो ऊपर वाला बन रहा था, उसमें वो नहीं बनेगा, मतलब उसमें हम अलग अलग कर लेंगे ठीक है और फिर बनाने की कोशिश करेंगे फिर बन जाएगा, कैसे देखो क्वेश्चन नंबर 17 x+2/√x²-2। सबको पता है अगर मैं नीचे वाला लेट करता तो ऊपर वाला डायरेक्ट नहीं बन रहा, तो सबसे अच्छा तरीका होता है इसमें मैंने बता रखा है कि अलग अलग करके देख लो सबसे पहले क्या बन जाएगा, अब और मुझे दिख रहा है कि यस अब बन पा रहा है, अगर मैं नीचे वाले को टी लेट करता हूँ मैंने अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन, इसमें मैं नीचे वाले को अगर टी लेट कर रहा हूँ तो ऊपर वाला आ जाएगा क्योंकि एक्स डीएक्स की वैल्यू मुझे ऊपर चाहिए, तो एक्स डीएक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dt/2। तो मेरा ये वाला इंटीग्रेशन की अगर बात करूं ये बन गया एक्स डी एक्स की जगह dt/2 और इसकी जगह ये रूट वाले की जगह ये t वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो √t। इसको मैं मान लेता हूं i1 ठीक है, इसे मान लेता हूं मैं i2, ये मेरा i1 की वैल्यू आई है, अभी मैं i1 को सॉल्व कर रहा हूं, i1 को मैं सॉल्व करूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा, 1/2 कॉन्स्टेंट है √t मतलब t^-1/2 ठीक है, मैं t^-1 का डायरेक्ट लिख देता हूँ बिकॉज ये देखो ये मैंने अभी भी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया दैट वाज कमिंग 2√t, तो मैंने लिख दिया आंसर आएगा 2√t + c, कट गया √t मतलब √x²-1 + c। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे मैं दो इंटीग्रेशन लेट कर रहा हूँ i1 i2 लेट कर लिया अलग अलग, तो इधर c ना लिख के ना हम c1 लिखेंगे बिकॉज मुझे पता है इंटीग्रेशन 1 का कॉन्स्टेंट c1 होगा, इंटीग्रेशन 2 का कॉन्स्टेंट c2 होगा, अल्टीमेटली आंसर c ही आएगा। अब मेरा ये i2 है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको देखिए, अब मेरा जो i2 का था वो क्या था, इट वॉज 2√x²-1 dx, सो 2 कांस्टेंट है और मैंने बोला था अब हम इंटीग्रेशन का जो 7.4 फॉर्मूला सीख के आ रहे हैं डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला बन रहा है 1√x²-a² बहुत बार लर्न हो गया होगा फॉर्मूला, इट इज लॉग x प्लस सेम रूट प्लस कांस्टेंट लगाऊंगा मैं यहाँ c2, अब मेरे को फाइनल आंसर i का देना है और i को मैंने i1 प्लस i2 था, जो i1 का आंसर आ रहा था i1 का आंसर देखो क्या आ रहा था, इट वॉज दिस √x²-1 + c1 और i2 का देखो ये आया 2 log x + same root + c2, सो मैं फाइनल आंसर क्या आ जाएगा √x²-1 + 2 log x+√x²-1 + C, मैं लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, जो कैपिटल सी है वो किसके इक्वल है c1 + c2 ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक शॉर्ट में एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने x²-1 को डायरेक्ट ये डायरेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर वाला नहीं बन रहा था और मैं ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकता डायरेक्ट कि dx/√x²-a² बिकॉज मैं लास्ट क्लास में भी ये चीज बता चुका हूँ कि ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लग सकता है राइट, इसीलिए हमने यहाँ पर अलग अलग किया बिकॉज ऊपर कॉन्स्टेंट होना चाहिए कॉन्स्टेंट नहीं है इसलिए अलग अलग करके हमने इसे सॉल्व किया। So it was about question number 17 and अब start होता है 7.4 का real question that is called important question जिसे कहा जाता है question number 18, 19, 20, 21, 22, 23. They are the most I should say infinite times important question for this exercise. So उसको मैं अभी नहीं कराऊंगा, उसके लिए एक separate video हम करेंगे because they are the most important questions
इंटीग्रेशन में अगर मजा करना है तो वो क्वेश्चन है मजे करने के लिए, मतलब मजे इन द सेंस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो आई एम जंपिंग नाउ टू डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 24. ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन पे आओ. इट इज डी एक्स अपॉन अंडर रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू. सो ये एमसीक्यू है पहली बात तो, ये डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी. कैसे आइडेंटिटी बनेगी? अगर जैसे मैं टू को वन प्लस वन लिखता हूं तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी. पहली देखो एक्स प्लस वन का स्क्वायर और इसको मैं लिख दूंगा वन का स्क्वायर. सो इट्स आइडेंटिटी ऑफ अंडर रूट वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज टैन इनवर्स. तो आंसर आ गया टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए. नीचे वन है तो मैंने लिखा नहीं, लिखना चाहो तो लिख दी. सो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम ऑप्शन से चेक करें तो इट वॉज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. इट इज dx अपॉन अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर. अब इसका कैसे किया जाएगा? आप साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, मैं ऊपर कॉन्स्टेंट है, मैं इतनी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है कैसे लगाऊं, क्योंकि देखो कॉन्स्टेंट तो है नहीं, नीचे भी तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है. इसका मतलब वो नहीं दे रखा, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगेगा तो तब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर ही. बट उसके पहले जो मेरा एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसको मेरे को डिवाइड करना है, मतलब उसको मैं कॉमन ले लूंगा. इस इक्वेशन माइनस फोर कॉमन ले लिया तो क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बाई फोर एक्स. ये इंटीग्रेशन. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखो माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बाय फोर एक्स, जो एक्स के साथ होता है नाइन बाय फोर है जैसे यहाँ, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर दोनों साइड प्लस भी करना, मतलब प्लस एंड माइनस दोनों कर दिया जाएगा. मतलब नाइन बाय एट का स्क्वायर एड भी होगा एंड नाइन बाय एट का स्क्वायर माइनस भी किया जाएगा एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. नाउ पहले तीन ब्रैकेट्स में अगर सब देख पा रहे हैं तो हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी. आइडेंटिटी देखो कैसे बन रही है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस फोर. देखो इन तीनों में आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी बीच में माइनस आ रहा है तो एंटी वहीं से मिलती है, एक्स माइनस नाइन बाय एट का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस नाइन बाय एट का स्क्वायर. सॉल्व मत करो क्योंकि पता है आइडेंटिटी में हमें कॉन्स्टेंट को क्या करना है. अब नेक्स्ट स्टेप, भाई रूट के अंदर माइनस आ रहा है, दोबारा से माइनस को अंदर पुश करना है, अंदर मल्टीप्लाई करनी है एंड आई विल गेट डी एक्स अपॉन अंडर रूट फोर. फोर को नहीं कर रहा बिकॉज फोर का रूट सबको पता है टू होता है. तो ये क्या बन जाएगा, देखो नाइन बाय एट का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस नाइन बाय एट का स्क्वायर. ठीक है, शायद कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता, शायद मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में बता देना चाहिए था. ए माइनस एक्स में अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो एक्स माइनस ए आता है भाई, करके देख लेना माइनस की मल्टीप्लाई अंदर अंदर. मैं क्वेश्चंस करा रहा था, पता नहीं 10th क्लास थी शायद, उनको ये नहीं पता था ये क्या किया है. दे वर आस्किंग सर व्हाट यू हैव डन दिस, ऐसे कैसे हो गया, आपने स्विच कैसे कर दिया. सो शायद आप सब 12th में हो तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए कैसे स्विच कर सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके. सो मेरे को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ये वाला. रूट फोर्थ का क्या हो जाएगा बाहर टू, और अंदर आइडेंटिटी बन जाएगी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर नहीं भी पता ना क्वेश्चन में एमसीक्यू में तो खुला सकते हैं, बिकॉज साइन इनवर्स ही ऑप्शन में है. तो साइन इनवर्स दिस अपॉन दिस, सो यू गेट द फाइनल आंसर हाफ साइन इनवर्स. एलसीएम ले लो 8x माइनस 9 अपॉन 9 क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा. सो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी. डिनोमिनेटर सेम है एंड यू विल गेट 8x 9 सर 8 8 डिनोमिनेटर है वो कट जाएगा. इसका आंसर ऑप्शन बी आ. सो इट वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.4 एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए एक्सरसाइज 7.4 है. जैसे 7.3 के लिए क्वेश्चन 22 था, 7.2 में क्वेश्चन 32 31 थे, ठीक है, उसके लिए 7.4 में भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 18 से 23 हैं. उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आप सब जरूर देखें, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.